बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है अरेबियन ऊद और इस फ्रेग्रेंस का नाम है दीवान। मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात भी करते हैं। बहुत ही जबरदस्त किस्म की इसकी बॉटल है, बड़ी डिटेलिंग के साथ। ठीक है, ये रही इसकी बॉटल, ये ऊपर दीवान लिखा हुआ है एक कैलीग्राफी के स्टाइल में, और ये नीचे शाइनी सा DIWAN दीवान लिखा हुआ है, और फ्रंट पे ही इसके ये अरेबियन ऊद का लोगो है जो कि आपको नजर आ जाएगा, और कैप के ऊपर बाकायदा इनका अरेबियन ऊद का जबरदस्त सा इंग्लिश में लिखा हुआ है। बहुत हैवी मेटालिक कैप है इसका, ये आप देख सकते हैं इसका कैप, ये ऐसा इसका कैप है जबरदस्त सा, और इसका सिल्वर कलर का स्पेयर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अरेबियन ऊद का जबरदस्त सा लोगो, और ये लाइंस वगैरह बनी हुई है इसके ऊपर ये, और बाकी गोल बॉटल है, जबरदस्त बॉटल है और देखने में बहुत ज्यादा प्यारी लगती है ये बॉटल। ठीक है, देखने में बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, आप देख सकते हैं। अरेबियन ऊद के जितनी भी फ्रेग्रेंसेस हैं ये मुझे सामा शेख ने भेजी, और अच्छा मजे की बात, आप लोगों को इनके डिकेंट्स अगर चाहिए, मतलब अरेबियन ऊद के, मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने कहा दिए भाई अरेबियन ऊद के रिव्यू करें, तो सामा शेख मुझे कहता है यार दिल भी कर दे रिव्यू। मैंने कहा यार मैंने आज तक कभी ये ना लेने की कोशिश की फ्रेग्रेंसेस, ना मेरे लिए वो क्यूरियोसिटी कभी पैदा हुई इस ब्रांड के लिए, लेकिन तो ही सेड के मेरे पास है, मैं आपको भेजता हूँ, आप चेक भी करें और लोगों के लिए रिव्यू भी बनाए। तो उनके पास ना ये सारी बॉटल्स हैं, मैं कहूंगा उनको कि वो आप लोगों के साथ ये शेयर भी कर दें, मतलब अगर आपको कोई डीकेंट चाहिए तो मेरे ख्याल में एक एक दो दो डीकेंट्स वो हर बॉटल्स में से आपको, हर बॉटल में से आपको दे सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आते हैं अपनी फ्रेग्रेंस के ऊपर। दीवान की बात कर रहा था मैं, 2020 के अंदर यह लॉन्च हुई और इसकी जो वेबसाइट के ऊपर प्राइस है वो 19,500 रुपए है। ठीक है, मिस्टीरियस सी खुशबू है, मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक जैमी से एप्पल की एक खुशबू आएगी, रेड जैमी स्वीट एप्पल की खुशबू, और उस वक्त तक ये बिल्कुल अकेला एप्पल जैम की तरह की खुशबू होगी, और आप सोचेंगे कि यार ये किस तरह की, मतलब जॉली सी खुशबू है इसका, जिस तरह की पैकिंग है, और मैंने इसकी पैकिंग देखी थी लेकिन मेरे पास सिर्फ बॉटल है अभी, तो आप कहेंगे यार ये किस तरह की बॉटल है और खुशबू किस तरह की, फ्रूटी सी स्टार्ट हो रही है बिल्कुल यूनिसेक्स टाइप, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस जैम के साथ एक प्रॉपर सिल्की वुड्स का एक नोट अटैच हो जाता है। वो जो सिल्की वुड्स का नोट है, मैं आपको इस तरह डिफाइन करता हूं, जिस तरह शेव्ड पेंसिल होती है उसका जरा आप थोड़ा सा स्पाइसीनेस हटा दें तो जो स्वीटनेस रह जाती है शेव्ड पेंसिल की, उसको आप मजीद क्रीमी कर लें, मजीद राउंडेड कर लें, तो जैम के साथ वो बेसिकली तो वो कैश्मीर वुड का एक नोट होता है, लेकिन डिफाइन करने के लिए मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि शेव पेंसिल का क्रीमी सा नोट, क्रीमी सा शेव पेंसिल का स्वीट नोट, वो इसके एप्पल जैम के साथ, एप्पल जैम जैमी सी खुशबू के साथ अटैच हो जाता है। यहां पर जब ये खुशबू पहुंची है तो आप कहते हैं नहीं यार ये इतनी भी सिंपल खुशबू नहीं है, ये तो बहुत कमाल की खुशबू है, मतलब लिटरली जब यहां तक मैं पहुंचा तो मैंने कहा वाओ, इसका सेकंड फेज उससे भी ज्यादा जबरदस्त था फर्स्ट फेज से। ठीक है, फर्स्ट फेज थोड़ा सा जॉली लगा, थोड़ा यंगस्टर्स का लगा, लेकिन सेकंड फेज बाकायदा फिर इसने मुझे बताया कि नहीं भाई काम हुआ हुआ है बड़ा जबरदस्त किस्म का। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चल के फिर ये इसके अंदर से बेसिकली टोंका बीन्स की बहुत प्यारी पाउडरी सी खुशबू आती है, वो किस तरह की खुशबू है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। बिल्कुल इस तरह, जिस तरह क्रश्ड शुगर होती है, क्रश्ड शुगर, उसको आप क्रीम के साथ मिक्स करें तो वो जो बेसिकली जो इसकी शुगरी सी खुशबू है वो राउंडेड है, पाउडरी है, राउंडेड है, वो कहीं से भी शार्प स्वीट नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये जॉन पॉल गोल्चे का जो लिमॉल परफ्यूम था जो 1995 में आया था, इसका ड्राई डाउन कहीं ना कहीं आपको उसकी याद दिलाता है, क्योंकि इसके ड्राई डाउन में वनीला और टोंका बीन्स, और वो भी दोनों क्रीमी किस्म के चल रहे होते हैं जो कि स्वीटनेस के साथ साथ राउंडेड भी हैं। मतलब टोंका बीन्स की एक क्रश्ड शुगर की तरह की डस्टी सी खुशबू होती है, लेकिन उसको जब क्रीमी कर लें तो वो स्वीट तो होगी लेकिन वो बहुत ज्यादा शार्प स्वीट नहीं होगी। ठीक है, उस वजह से स्वीट फ्रेग्रेंसेस अमूमन सर्दियों की फ्रेग्रेंसेस होती हैं, बट क्रीमी स्वीट होने की वजह से इसको एज आ जाता है वेदर के ऊपर के, फिर आप इसको हर वेदर में लगा सकते हैं। ये तो हो गई इसकी खुशबू।
थोड़ी सी ट्रिकी है, आप दोबारा से रिमाइंड करके देख लें, आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू बात है अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्गेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, लोकेशन। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, मैं इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। जेंडर की अगर बात करें तो फॉर माय साइड ये मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट किस्म की यूनिसेक्स प्रेगनेंसी। ठीक है, और अगर हम बात करें लॉन्गेविटी प्रोजेक्शन की, मैंने जब फर्स्ट टाइम इस फ्रेग्रेंस को लगाया तो मुझे लगता है इसने नोज ब्लाइंड किया था फर्स्ट टाइम, या क्या प्रॉब्लम हुआ था, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट फर्स्ट टाइम मुझे जो एप्पल जैम वाला नोट है, और जो सेकंड इसका फेज था जिसमें वो मैंने आपको कहा ना, सिल्की वुड्स का एक क्रीमी से वूडी प्लस एक जैम का एक खुशबू थी, वो लिटरली स्किप हो गए। मतलब पहले 2 से 2.5 घंटे मुझे खुशबू ही नहीं आई, और जब ये दोनों फेसेस खत्म हो गए तो मुझे एंड वाले शुगरी पाउडर, जो मैंने आपको बताया शुगरी क्रीमी सी जो एक खुशबू थी वो मुझे आई। मैंने फिर इसको एक बार फिर वेयरिंग दी, उस वक्त फिर इसने मुझे नोज ब्लाइंड नहीं किया, और प्रॉपर मैंने हर हर फेज इसका एंजॉय किया। तो लॉन्गजीविटी प्रोजेक्शन जो है वो मैं आप लोगों को बताता चलूं, मैंने इसको जितनी बार भी वेयर किया है मुझे इसकी लॉन्गजीविटी 8+ आवर्स मिली, और प्रोजेक्शन अगर इसकी हम बात करें तो प्रोजेक्शन इसकी ठीक ठाक 3 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है, बल्कि मुझे खुद को 7वें-8वें घंटे में भी इसकी खुशबू आ रही थी। मैंने इन रिस्ट्स के ऊपर लगाया था, तो 7वें-8वें घंटे में भी इसकी खुशबू इजीली आ रही थी मुझे। ठीक है, तो मैं ये आराम से कह सकता हूं कि ये इसकी जो प्रोजेक्शन है, बहरहाल 3-4 घंटे एक सॉलिड आर्म लेंथ से ज्यादा प्रोजेक्शन है। आपको ये परफ्यूम लगाकर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि इसकी लॉन्गजीविटी प्रोजेक्शन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गजीविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर रुकेजन की बात करें, मैंने जैसे कि कहा कि ये स्वीट तो है, एंड में स्वीट पाउडरी तो जरूर है, लेकिन वो क्रीमी स्वीट पाउडरी है जिसकी वजह से आप इसको ऑल सीजन लगा सकते हैं। और अगर ओकेजन की बात करें तो इजीली आप इसको ऑफिस में लगा सकते हैं, हर ओकेजन पे लगा सकते हैं। ये एक धीमी सी, बाहर कोई हॉर्न बार बार बजा रहा है तो उसके लिए आई एम सॉरी, मैं वीडियो स्टॉप नहीं कर सकता। ओके, तो ये तो इसके वो हम बात करते हैं, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गजीविटी प्रोजेक्शन, वेदर भी हो गया, ओकेजन का मैं कह रहा था कि आप इसको ऑफिस में भी लगा सकते हैं, हर जगह पे लगा सकते हैं। ये बहुत ही प्लेजेंट सी खुशबू है, इसका ऐसा नहीं है कि आप इसको इस ओकेजन पर लगाकर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी अरेबियन ऊद का दीवान। थैंक यू सो मच।